तो मथुरा के लिए भी योजना है? क्यों नहीं, मथुरा के क्यों नहीं बनाएंगे? अयोध्या देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के सनातन धर्म की परंपरा में जो 7 पवित्र नदियां हैं, वो 7 में से 3 तो यूपी के अंदर है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, काशी भी है। तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि इन सभी पुरियों का समग्र विकास के लिए सरकार कुछ कर सके। पर हेमा मालिनी जी ने कहा एक आयोजन में कि मैं तो चाहती हूं कि योगी जी यहां से आए, चुनाव लड़े मथुरा से। देखिए पार्टी, ये तो पार्टी तय करेगी मुझे कहां से चुनाव लड़े। नहीं, पार्टी तो तय करेगी, लेकिन योगी जी खुद सोचते हैं कुछ कि मैं जैसे गोरखपुर हमेशा से रहा, लोग सोचेंगे कि शायद गोरखपुर से लड़े, लेकिन अयोध्या और मथुरा दोनों जगह प्रतीक्षा हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, चुनाव लड़ मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। कोविड के समय में वर्चुअल रैलियों की बात अब है, वर्चुअली सारी चीजें होंगी, कितना बदलेगा, मतलब मुश्किलें होंगी? देखिए आपदा के समय ही आवश्यकता के अनुरूप रास्ता भी निकलता है, लेकिन जो लोग अपने को कहते थे कि हम डिजिटली वेल इक्विप्ड हैं, कल मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान देख रहा था, उन्होंने तो अपने हथियार पहले ही डाल दिए। उन्होंने कहा साहब चुनाव आयोग हमारे लिए व्यवस्था करे, यानी अभी इनकी असलियत सामने खुल चुकी है। यानी अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट घोषित ही की और केवल 15 जनवरी तक अभी रैलियों पर रोक लगाई है। मुझे लगता है रैलियों पर रोक आगे भी हो सकता जाए, क्योंकि अभी तो कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं, ये तो पीक पे आने में भी समय लगेगा। आपके लिए बेहतर स्थिति होगी कि सारी पार्टियां वर्चुअली आए, वो लोग सब कह रहे हैं कि बीजेपी की व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसके लिए तैयार हैं। फिजिकली होगा तो फील्ड में उतरेंगे, फिजिकली नहीं होगा तो वर्चुअली जाएंगे। पर क्या सोशल मीडिया पर, चूंकि बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब टूलकिट की बात बहुत होती थी और वो जुड़ी हुई थी सोशल मीडिया से ही, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती कि देखो टूलकिट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है वो ज्यादा मजबूती से उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पर ये लगता है कि मुश्किलें ज्यादा आ सकती हैं, उल्टा ही पड़ सकता है कहीं? देखिए हम लोग चुनौतियों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, और मैं इस बात को जानता हूं यूपी का चुनाव होगा तो यूपी के चुनाव में अगर एक तरफ देश की सकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए तैयार बैठी होगी, तो दूसरी तरफ दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के अपनी नकारात्मकता को फैलाने का प्रयास करेगी। तो हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार रहना होगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। प्रियंका वाड्रा कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, आप लोग उसके बाद महिलाओं को रिझाने के प्रयास में दिखते हैं, कांग्रेस कहती है कि ये हमसे डर रहे हैं, वो 40% महिलाओं को कह रही है कि सीटें देंगे इस बार चुनाव लड़ने के लिए, टिकट देंगे। उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे तो कहां से देंगे? कैंडिडेट इसलिए नहीं मिलेंगे कि महिलाएं नहीं है या कांग्रेस के टिकट पर? कांग्रेस के टिकट पे कोई जाएगा? मुझे एक बात बताइए, आईसीयू में पड़े हुए किसी व्यक्ति से अगर आप कहेंगे कि उसे मैराथन दौड़ना है, क्या वो दौड़ पाएगा? और कांग्रेस के स्लिप तो सबके सामने आ रही है, क्या क्या नजारे पेश कर रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री जी तक की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और कितना बेशर्मीपूर्ण बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री का कि पीएम की सुरक्षा की ब्रीफिंग वह प्रियंका वाड्रा से कर रही है, ये क्या तरीका है? आप संवैधानिक पद पर बैठ करके पूरी व्यवस्था की ध्वजियां उड़ा रहे हैं, क्या नजीर प्रस्तुत करना चाहती है कांग्रेस देश के अंदर? आपको यकीन है जो हुआ साजिशन हुआ? हाँ, मेरा मानना है कांग्रेस इस बात की अभ्यस्त है, इस प्रकार की साजिश की अभ्यस्त है। कब ने इसने साजिश किया है? ये देश के खिलाफ साजिश करने वाली पार्टी है, गरीबों के खिलाफ साजिश करने वाली पार्टी है, देश में आतंकवाद
अलगाववाद और वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाली पार्टी है, क्या उम्मीद आप इससे कर सकते हैं?